सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, मेरे मित्र और भारत सरकार के शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव जी, श्री दिनेश शर्मा जी, श्री सुरेश राणा जी, श्री विवेक ठाकुर जी, श्रीमती नीलिमा कटियार जी, सांसद वीरेंद्र सिंह जी, श्री यशवंत सिंह जी, श्री विजय बहादुर पाठक जी, श्री अरुण कुमार, अपने शिक्षा विभाग की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का वंदन और अभिनंदन करता हूँ कि आज आजमगढ़ की महान जनता के लिए आज उन्होंने एक उपहार दिया है, और ऐसा उपहार जो शिक्षा की सेवा, जिसमें रोजगार पर शिक्षा होगी, जिसमें नर्सिंग के, फार्मेसी के, कंप्यूटर के और रोजगार पर तमाम प्रकार के पाठ्यक्रम संचालित होंगे। उत्तर प्रदेश का आधुनिकतम विश्वविद्यालय तो शिक्षा के क्षेत्र में कोई होगा तो ये आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय के रूप में होगा, और इसको देने के लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का साधुवाद देता हूं। और सारी जो औपचारिकताएं होती है उसको पूर्ण करने के बाद ये एक्सप्रेस वे के करीब होगा। यहाँ फोर लेन को पास करके यहाँ की अनुस्थापना संबंधी सड़क की समस्या को भी दूर करने का काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया है। ये गुमराह करके चले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने